हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसी बातें करूं जो मैं बहुत टाइम से करना चाह रही थी, बट आई जस्ट कुडंट डू बिकॉज आई हैव बिन रियली बिजी, या मैं अपने आप को किसी ना किसी काम में या किसी भी मसरूफियत की वजह से या अपनी हेल्थ की वजह से मैं उनके बारे में बात नहीं कर पा रही थी और ना मैं उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म बना पा रही थी, ना मैं उसको अपने प्लेटफॉर्म पे डालना चाहती थी, और देर वर प्लान्स जो नहीं हो पा रहे थे। सो फाइनली आई थॉट कि मैं अपना मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर सिर्फ इन चीज़ों को अपनी हद तक ना रखूँ, बल्कि जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ या जिन जिन टॉपिक्स पे मैं बात करना चाहती हूँ उनको स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं करना शुरू कर दूँ। सो मेरी जो आज की बात है वो बड़ी बड़ी रिसेंट सी बात है। कुछ ऐसी बचपन में चीज़ें होती हैं जो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी याद नहीं आती, और कोई एक ऐसा टाइम होता है जब आपको एकदम से वो चीज़ याद आती है। तो मेरे बचपन की एक बात है, मेरे 5th और 6th ग्रेड की एक बात है जो मुझे बिल्कुल कुछ दिन पहले याद आई, और उसने मुझे बड़ा डिस्टर्ब कर दिया, और मैंने उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा, और उसने उस बात की वजह से मुझे मैंने बहुत रिग्रेट भी किया, मुझे बहुत बुरा भी लगा, मुझे लगा कि मैंने बहुत गलत किया है, हमारी सोसाइटी ने उस इंसान के साथ बहुत गलत किया है, हमारी कम्युनिटी ने उस इंसान के साथ बहुत गलत किया है। और मैं नहीं जानती कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में कहाँ पे है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि वो जहाँ पे भी होगा, आई रियली होप कि वो इंसान बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा उस इंसान के साथ रह गया होगा। सो ये बात है मेरी 5th और 6th ग्रेड टाइप की। हमारी क्लास में एक बच्ची थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी। वो हमारी क्लास में लास्ट बेंच की लास्ट चेयर पे बैठा करती थी, और हम में से उसके साथ कोई भी नहीं बैठता था। शी बीन फेसिंग काफ़ी सारे इश्यूज अपनी फैमिली को लेके। आई थिंक उसके वालिद नहीं थे, या शायद उनके वालिद ने उनको छोड़ दिया था। फाइनेंशली और इमोशनली वो फैमिली स्ट्रगल कर रही थी। उसका यूनिफॉर्म नया नहीं होता था, उसके पास पूरी बुक्स नहीं होती थी, स्टेशनरी पूरी नहीं होती थी, वो बहुत दफ़ा अपने साथ लंच नहीं लेकर आती थी। हमें जब रोज़ पॉकेट मनी टाइप पैसे मिलते थे कि हम स्कूल में जाके कुछ खा लें या कुछ, तो उसके पास वो भी नहीं होते थे, उसको वो भी नहीं मिलते थे। और वो आई एम श्योर अपनी इन सब मसलों की वजह से, अपने फैमिली के मसलों से, अपने फाइनेंशियल मसलों से, इन सब की वजह से वो इस कदर डिस्टर्ब थी कि वो पढ़ाई में भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो उसके स्ट्रेट एफ्स आते थे, फेल होती थी वो। और जिस बात की मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है अब, लेकिन हमारी पूरी क्लास ने उसको एक तरह से नहीं, आई वुड से कि हमने उसको बुली किया, बिकॉज़ हम उसके साथ नहीं बैठते थे, हम उसके साथ बात करना पसंद नहीं करते थे, हम उसके साथ दोस्त नहीं रखना चाहते थे, बिकॉज हमें लगता था कि ये ऑड है, ये बात नहीं करती, हंसती नहीं है, इसका यूनिफॉर्म साफ नहीं है, इसकी स्टेशनरी नहीं है इसके पास, इस तरह की सारी जो फजूल बातें हैं जो हमें शायद हमारे बड़ों ने हमें सिखानी थी और हमारे टीचर्स ने हमें बताना था, उन्होंने हमें नहीं बताई। उस बच्ची को हमारी टीचर्स, मेरी क्लास में जितनी भी टीचर्स थी, उसके फेल होने पर उसको इतने ज़ोर से थप्पड़ मारते थे, इतने ज़ोर से थप्पड़ मारते थे कि वो बच्ची लाल हो जाती थी, और उसको जब मार पड़ती थी क्लास में हम सबके सामने, तो उसकी जो मार की आवाज़ थी वो कॉरिडोर के एंड तक जाती थी, वो थप्पड़ इतने ज़ोर के होते थे। अब जब मैं सोचती हूँ कि वो सिर्फ 5th क्लास की एक बच्ची थी, और वो किसी भी तरीके से एक नॉर्मल चीज़ का हिस्सा नहीं थी, ना ही फैमिली वाइज, ना ही पढ़ाई वाइज, ना ही पैसों की तरफ से, ना ही इमोशनली, मतलब उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था जो एक नॉर्मल बच्चे की ज़िंदगी में होना चाहिए या एक नॉर्मल बच्चे का हक है, तो हम उससे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो नॉर्मल खुश बच्चों की तरह एक्ट करती, वो क्यों एज लेकर आती, या वो क्यों हैप्पी होती, या वो क्यों हमारे साथ जलन ना करती।
अब मैं जब सोचती हूँ कि उस वक्त तो हमारे हमारे लिए ये हमें सिखाया गया हुआ था कि जहां जहां उस्ताद की मार पड़ती है वहां पे तो दोजख की आग भी आपको नहीं छूती, इस तरह की बातें सुनी हुई थी। मुझे नहीं पता इन बातों में कितनी सच्चाई है या कितनी सच्चाई नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि शी वॉज ओनली इन ग्रेड 5, शी वॉज यंग। उस वक्त उसकी सब चीजें, उसकी सब सोच बन रही थी, वो सीख रही थी, हम उस वक्त डेवलप हो रहे थे, हम इस मुल्क की नेक्स्ट जनरेशन बनने जा रहे थे, हमने कुछ बड़ी चीजें अचीव करनी थी। लेकिन उस टाइम में हमें एज अ क्लास फेलोज और एज अ फेलो स्टूडेंट्स हमें नहीं सिखाया कभी भी, किसी भी टीचर ने, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी भी कहा हो कि वी शुड हेल्प हर विद हर स्टडीज, वी शुड गिव हर मोर टाइम, वी शुड बी फ्रेंड्स विद हर, या वी शुड सेट विद हर। और मुझे याद है कि क्लास में जब भी किसी टीचर को, किसी स्टूडेंट को पनिश करना होता था तो वो उस स्टूडेंट को उस बच्ची के साथ बिठा देते थे। अब आप मुझे खुद बताएं कि ये कितनी गलत बात है कि आप एक बच्चे के लिए सजा एक और बच्चे के साथ बैठने को बना रहे हैं। और मैं जब अब इन सब बातों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे इतना दुख होता है, मुझे इतना दुख होता है। आई हैव नो आइडिया कि वो अभी अपनी जिंदगी में कहाँ पे। आई रियली 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 होप कि उसके साथ ये सारे ट्रॉमास जो हैं उसके बचपन के, वो उसके साथ ना हो। आई रियली होप कि वो जहाँ पे भी हो वो खुश हो और वो हेल्दी हो, बिकॉज वो उस वक्त हेल्दी नहीं थी। मुझे याद है कि वो हर वक्त अपने बालों को यूं घुमाती थी और बाल तोड़ लेती थी, तो उसका जो इतना सर का हिस्सा था एक ओवल शेप में, वो बॉल्ड हो चुका हुआ था, उधर बाल नहीं आते थे। और हमें उस जमाने में, उस टाइम पे जब हम छोटे थे, तो किसी ने बताया ही नहीं था कि ट्रॉमा क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, एनजाइटी क्या होती है, पैनिक अटैक्स क्या होते हैं, या फैमिली ट्रॉमा जैसी क्या चीज़ हो सकती है। एक बच्चे को अगर उसको बाप छोटी उम्र में छोड़ जाए तो वो किस चीज़ से गुजर सकता है, या उसकी माँ अगर रोज़ मारे खाती हो अपने शौहर से तो वो उस बच्चे पे क्या असर हो रहा होगा, या अगर बाप नशे करके आ जाएगा घर पे तो बच्चे और माँ किस तरह सफ़र करेंगे। हमें ये सारी बातें कभी किसी ने नहीं सिखाई, जो कि मुझे अब फील होता है कि एक बहुत 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 बड़ी गलत चीज थी। हमारे मुल्क के अंदर टीचर्स सबसे लोएस्ट पेड लोग हैं। हमारे यहाँ टीचर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी ने किसी भी चीज में डिग्री कर ली और उसको उसमें नौकरी नहीं मिलती तो वो एंड पे उस्ताद बन जाए, जो कि मुझे एक बहुत ज्यादा सैड बात लगती है। उस्ताद ने पूरी जनरेशन को तैयार करना होता है। उस्ताद हमने घर में कुछ घंटे गुजारने के बाद अपनी जिंदगी के 8 से 10 घंटे स्कूल में गुजारने होते हैं। खास तौर पे आपकी जो शुरू की स्कूलिंग होती है, नर्सरी से लेकर कम से कम 8th ग्रेड तक, जब बच्चे का दिमाग डेवलप हो रहा होता है, जब बच्चा न्यू चीजों की तरफ एक्सपोज हो रहा होता है, वो उसकी डेवलपिंग और लर्निंग की स्टेज होती है। उसके अंदर अगर हमारे टीचर्स ही डिप्रेस्ड हैं, हमारे टीचर्स का ही विजन क्लियर नहीं है, हमारे टीचर्स को ही नहीं पता कि उन्होंने बच्चों को क्या सिखाना है। अगर बच्चे का एफ आ गया है तो वो ये नहीं देख रहा कि ये बच्चे का एफ क्यों आया है, वो इंस्टेड वो उसको मार रहा है, और उसको वो इतना मार रहा है कि वो बच्चा लाल हुआ हुआ है, वो नील है उसके, उसको शायद अगले दिन बुखार है और बच्चा नहीं आ रहा। और टीचर हंस रही है, हाँ अच्छा तो आज वो क्यों नहीं आई, तो सबने कहा पता नहीं बीमार है शायद, वो बच्ची 2 दिन बाद आई तो उसने कहा मुझे बुखार हो गया था। और ये बहुत नॉर्मल सी बात है, उस टीचर के लिए नॉर्मल है, उसके क्लास फेलोज के लिए नॉर्मल है, उसके स्कूल के लिए नॉर्मल है, और शायद उस बच्ची के लिए भी नॉर्मल है। और मैं अब सोचती हूँ कि हो सकता है उसकी अब शादी हो गई हो और उसको उसका शौहर भी मारता हो और उसके लिए वो मार नॉर्मल हो, बिकॉज उसने वही मार अपनी टीचर से भी खाई है और उसको लगता था कि शायद उसकी गलती है बिकॉज वो फेल हो रही है, जबकि क्लियरली उसकी गलती नहीं थी फेल होने में। और वो अपने शौहर से भी मार खाती होगी क्योंकि उसको लगता होगा कि उसी ने कुछ गलत किया होगा और इस वजह से उसकी मार जो है वो जस्टिफाइड है। सो आई रियली वॉन्ट टू नो कि हमने अपनी एक पूरी जनरेशन क्यों जाया कर दी, या हमने अपनी पूरी एक जनरेशन को इस तरह के ड्रामा में से क्यों गुजारा। मुझे अपने बचपन में नहीं याद
के डिप्रेशन या एनजाइटी या ट्रॉमा जैसे लफ्ज भी इस्तेमाल हुए हो। अगर किसी को पैनिक अटैक्स आते तो कहते थे कि इसको जिन आ गए, इसको दम कराएं। कभी किसी ने क्यों नहीं समझा कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो सकता है जिसकी वजह से वो आज उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, या हो सकता है कि उसके साथ किसी ने किसी तरह की भी ज्यादती कर दी हो और वो चीज वो मुंह से नहीं बोल पा रहा है या बोल पा रही है, तो इसी वजह से उसका जो अभी का रिएक्शन है वो उस वजह से हो, उस एक्शन की वजह से हो। तो मुझे जब मैं अब इस चीज के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। एंड जितना मैं इस चीज को समझती हूँ कि उस वक्त एटलीस्ट मैं आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, जितना मैं समझती हूँ कि इसमें मेरी गलती नहीं है कि मैंने उस बच्ची को टाइम नहीं दिया, या मुझे लगता है कि हमारी टीचर्स को हमें समझाना चाहिए था और हमें एजुकेट करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं डीपली अपने आप को भी ब्लेम करती हूँ, बिकॉज मैं सोचती हूँ कि शायद मैं उस वक्त वाइज एक्ट कर लेती, या मैं समझदार एक्ट कर लेती, या शायद मैं उस बच्ची की सिचुएशन अपनी अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लेती, और शायद वो ही मुझे बता देते कि नहीं बेटा इस तरह ट्रीट नहीं करना किसी को, आपने ख्याल रखना या कुछ भी। तो मुझे दुख है, मुझे दुख है अपने इस पूरे जब मैं स्कूल सिस्टम को देखती हूँ, जब मैं अपने उस्ताद के बारे में, पुराने उस्तादों के बारे में जब मैं सोचती हूँ, तो मुझे कोई खास खुशी महसूस नहीं होती, या मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ बहुत अमेजिंग सीखा है। हमारी मुझे याद है मैं छोटी थी, ये 5th 6th ग्रेड में थी, तो मैं हमेशा से बड़ी लाउड किड थी और मैं शरारती भी थी और मैं पढ़ती भी थी और मैं तंग भी करती थी और मैं मजाक भी करती थी। तो एक टीचर थी, वो मुझे बुली करती थी, वो मुझे रोज क्लास में एंटर होते साथ ही कहती थी सईफा यू गेट आउट, और मैं भी उस पर हंस हंस के निकल जाती थी कि हाँ देखा ये टीचर मुझसे चिढ़ेंगे इसलिए मुझे निकाल देती है। बट आफ्टर लाइक 4-5 डेज आई स्टार्टेड फीलिंग बैड अबाउट इट, मुझे लगता था कि ये मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं, क्योंकि मैं सिर्फ ये करती थी कि मैं सिर्फ क्लास में मजाक करती थी, मैं उनके लेक्चर में या उनको उसमें कभी तंग नहीं करती थी। तो 5th क्लास के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की तरह बहुत सीधा होके बैठ के आपकी मैथ की इक्वेशन सॉल्व करके दिखाए। मतलब बच्चा है ना, 5th ग्रेड का बच्चा है, वो कुछ मजाक करेगा, कुछ चार बातें सीखेगा, कुछ चार बातें गलत करेगा जो आप जिसके लिए उनको करेक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो एटलीस्ट हमारा टाइम था उसमें टीचर्स डिडंट नो मच, और अब आई एम रियली हैप्पी दैट थिंग्स आर चेंजिंग, आई एम रियली हैप्पी दैट वो वाली एक अवेयरनेस आ गई है। बट मैं अभी भी चाहती हूँ कि हमारा जो स्कूल का सिस्टम है, जो हमारे जो जहाँ जो टीचर्स हैं बेसिकली, वो उनके लिए बच्चों से पहले इट्स इम्पॉर्टेंट कि उनके लिए कुछ हो। किसी भी टीचर को रखने से पहले 1 महीना आप देखें कि उस टीचर की क्या सोच है, उस टीचर का क्या विजन है, वो जो उस्ताद है वो दुनिया को किस तरह लेके, दुनिया के बारे में क्या सोचता है, वो दुनिया को बदलने के बारे में क्या सोचता है, दुनिया को बेहतर कैसे बनाना चाहता है, सोसाइटी को बेहतर कैसे बनाना चाहता है। वो टीचर इसलिए उस जॉब पे ना आए क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिल रही थी तो उसने सोचा कि चलो 6 महीने के लिए मैं पढ़ा लेता हूँ। नहीं, अगर कोई टीचर आ रहा है तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हमें पता हो कि वो टीचर किस बैकग्राउंड से है, क्या वो टीचर इतना सेन है कि वो एक जनरेशन जिसने उनसे साल, 2, 5 साल, 10 साल पढ़ के आगे बढ़ना है, आगे करना है, तो क्या वो उनको सही बातें और सही उनको चीजें सिखा सकता है, क्या टीचर के पास वो एक्सपोजर है, क्या टीचर वो इतना अपनी जिंदगी में इवॉल्व हो चुका है कि वो नए आइडियाज को, नई चीजों को वो एक्सेप्ट कर सके और उनको आगे सिखा सके। क्योंकि हमारे बचपन में मुझे बस ये लगता है कि हमारे जो टीचर्स थी, क्योंकि फीमेल टीचर्स के साथ तो खास तौर पे ये था कि फीमेल टीचर का था कि आप टीचर बन जाओ और इतनी आसान नौकरी है, सुबह 8 से 2 बजे तक बच्चों की स्कूल की बस में आप वापस आएंगे, आपकी घर गृहस्थी भी संभली रहेगी और आपकी नौकरी की नौकरी होगी, और ना बड़ा अच्छा प्रोफेशन है और 3 महीने की छुट्टियां अलग मिलती हैं। तो आई थिंक
टीचर्स का सिर्फ एक वाहिद ऐसा होना वो है, एक जॉब है जिसके अंदर सिर्फ वो पैसों के लिए ना हो। मुझे टीचर्स और डॉक्टर्स अगर पैसों के लिए काम करना शुरू कर देंगे तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि हमारी सोसाइटी किसी भी तरीके से आगे जा सकती है। सो दिस इज समथिंग, दिस वॉज दैट स्मॉल इंसिडेंट जो मुझे बहुत टाइम से बॉदर कर रहा था, और मुझे लग रहा था कि उस तरह की पता नहीं कितनी और नाइंसाफियां हुई होंगी और कितने और बच्चे होंगे जिनको बचपन में इस तरह से ट्रीट किया होगा, और पता नहीं अब वो कहाँ होंगे और वो पता नहीं लाइफ में किस तरह की स्ट्रगल कर रहे होंगे। क्योंकि जब आप बड़े होते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, आपके पास कमाने की टेंशन होती है, आपके पास और बहुत सी टेंशन होती हैं। तो अगर आपने चाइल्डहुड ट्रॉमास लेकर आप साथ चलेंगे तो मुझे लगता है कि लाइफ गेट्स रियली 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 डिफिकल्ट। सो दिस वॉज द होल थिंग आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट, एंड आई रियली होप कि हमारा जो स्कूल का और टीचर्स का सिस्टम है वो बस बेहतर हो, और हमारे हमारी सोसाइटी में और हमारी जो आगे और आने वाली जनरेशन है उसमें एटलीस्ट इस तरह के जो ट्रॉमाज हैं उनकी कोई जगह ना रहे। दैट्स इट।